hi to your friends, click on the like button and the subscribe button and hit the bell icon for our latest video updates. And don't forget to follow on Instagram. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग्स। सो आज के इस वीडियो में अपन हुंडई i20 एक्टिव की बात करेंगे। पेट्रोल वर्जन है ये, टॉप मॉडल SX। सो इसमें क्या क्या फीचर्स रहने वाला है वो सारी बात करेंगे अपन, कैसे क्या रहने वाली है ये। और चलिए इसको सबसे पहले फ्रंट लुक देखिए आप, कैसा क्या रहने वाला है। शानदार लग रहा है काफ़ी। सबसे पहले हुंडई का बैजिंग साइन दे रखा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। और SUV टाइप में लुक दे रखा है इसको पूरा। और फ्रंट हेडलाइट्स देखिए इसके, ऑटो हेडलैम्प्स हैं इसमें, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ LED DRLs सब अवेलेबल हैं इसमें। यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया है पूरा, देख सकते हैं आप नीचे की तरफ। यहाँ पूरी ट्रीटमेंट दी गई है, पूरी क्रोम ट्रीटमेंट, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और SUV टाइप का फीलिंग आती है जो ये चीज़ दे रखी है इससे, काफ़ी हद तक काफ़ी शानदार लग रहा है ये। और साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा पीछे तक जाती हुई जाती है, तो देख सकते हैं आप ये, तो ये काफ़ी SUV टाइप की फीलिंग देता है। और टायर की साइज़ की बात अगर मैं करूँ तो देख सकते हैं आप, इसमें अपोलो का टायर दे रखा है। अलॉय व्हील देख लीजिए पहले, काफ़ी शानदार दे रखे हैं। हुंडई का यहाँ बैजिंग साइन दिया गया है। और टायर साइज़ दे रखा है, देख सकते हैं आप, 195/55 R16 का टायर है इसमें। और ऑटो फोल्डेबल ORVMs है विद हैं ये, पूरा क्रोम फिनिशिंग दे रखी है यहाँ, देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक शानदार प्यारे लग रहा है ये पूरा। एक ओवर लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, साइड लुक। SUV टाइप की फीलिंग काफ़ी शानदार तक हद तक आती है। और ये देख सकते हैं पूरा क्रोम हैंडल दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया है यहाँ तक भी, यहाँ पूरा क्रोम दिया गया है। और ये इसका पेट्रोल का जो फ्यूल फिलर का दिया गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया गया है, देख सकते हैं ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है। और ऊपर की बात अगर मैं करूँ तो आप देखते हैं ऊपर से कुछ इस तरह दिखती है इसमें। रूफ रेल्स दे रखे हैं पूरे ये सिल्वर फिनिश में, काफ़ी बढ़िया है। शार्प एंटीना दे रखा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे ब्लैक कलर का दिया गया है तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसमें, इस कॉम्बिनेशन में, इस कलर के साथ में। पीछे का लुक दिखाता हूँ मैं आपको पूरा, तो पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह लुक दे रही है। हुंडई i20 एक्टिव लिखा हुआ है यहाँ, हुंडई का बैजिंग साइन दिया गया है, SX टॉप मॉडल देख सकते हैं आप। और ये अपना पीछे वाला वाइपर दिया गया है। सो लाइट्स दिखा देता हूँ मैं पास से, काफ़ी इंटरेस्टिंग दे रखी हैं यूँ पीछे से आते हुए यहाँ तक, काफ़ी लंबी लाइट्स दी गई हैं, काफ़ी शानदार लगती हैं ये। और पूरा यहाँ i20 एक्टिव लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। और ये भी SUV की फीलिंग लाता है, जो पीछे वाला बम्पर है इसका देख सकते हैं आप, रियर डिफॉगर दिए हुए हैं। और ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी, काफ़ी शानदार। देन ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब इसके चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं इसके इंटीरियर की और ड्राइव वगैरह की। तो गाइज़ अपन आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सो सबसे पहले आपको स्टीयरिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, किस इस तरह से रहने वाला है इसका। हुंडई का साइन दे रखा है बीच में, हॉर्न का ये एयरबैग दिए गए हैं इसमें, 6 एयरबैग हैं। और तो एक एयरबैग यहाँ है, एक एयरबैग आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, और पीछे की तरफ भी दिए गए हैं, और सीट्स वगैरह में भी इसके एयरबैग हैं। सो आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल दिखाता हूँ पहले मैं, ये देख सकते हैं आप, पूरा क्रोम में दिया गया है, फिनिशिंग में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन है, मोड वगैरह का है, और वॉल्यूम कम ज़्यादा का है, सॉन्ग आगे पीछे करने का ये सब देख रखा, कॉल अटेंड करने का, कॉल काटने का, और ये सारे फीचर्स दिए गए हैं इसमें। सो ये देख सकते हैं आप, इसका स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ से ये MID का कंट्रोल यहाँ से होता है देख सकते हैं आप ये। सो ये दिखा रहा है ये पूरा 0 km/h, ये ट्रिप ए ट्रिप बी ये देख सकते हैं आप, और ये सारे रीसेट वगैरह वो कर सकते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ें MID वगैरह में, सर्विस रिमाइंडर वगैरह, सेटिंग्स वगैरह में जा सकते हैं अपन पूरा है। और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो RPM मीटर है, उसके नीचे कूल हॉट का दे रखा है, और राइट हैंड साइड इसका स्पीडोमीटर है, उसके नीचे इसका फ्यूल का दे रखा है आप देख सकते हैं।
सो ये रही इसकी स्पीडोमीटर की बात। इंडिकेटर का राइट हैंड साइड दिया गया है और वाइपर का लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। पूरा इसको आप दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा एक बार व्यू, सो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और सबसे बढ़िया ये जो अपना बॉडी कलर है उसी कलर में ये एसी वेंट्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, और गियर नॉब भी दिया गया है, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और उस तरफ का एसी वेंट्स भी दिया गया है। और इसका स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको, कूल ग्लव बॉक्स है ये पूरा, देख सकते हैं आप। और इसमें भी ये देख सकते हैं आप, और तो ये कूल है पूरा। और क्या बोलते हैं, इसका एसी वेंट्स दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह के दिए गए हैं। और ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, हज़ार लाइट्स का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। और एसी वेंट्स यहाँ पे हैं, पूरा क्रोम फिनिश दी गई है आर पार। ये एलसीडी स्क्रीन दी गई है अपन को, काफ़ी बढ़िया है। जीपीएस वगैरह सब देख सकते हैं आप इसमें, पूरा शो हो रहा है। मैप, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, यूएसबी ऑक्स और ऑटो एंड्रॉयड ऑटो प्ले और एप्पल सारा कनेक्ट हो जाते हैं इसमें। और स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है इंजन का, देख सकते हैं आप। देन इसके नीचे की तरफ चलते हैं तो क्लीन एयर वाली टेक्नोलॉजी दे रखी है इसमें, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ हमें आती है। और ये टेम्परेचर सेट करने का है, और ये फैन स्पीड का है, ये आउटस्विंग इनस्विंग का है, रियर फ्रंट, ये सब सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे तो ऑक्स का, यूएसबी का, और ये एक चार्जिंग पॉइंट का दे रखा है, और एक यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है इसमें अलग से, तो इससे भी अपन पूरा चार्ज कर सकते हैं। गियर नॉब इसका कुछ इस तरह है। सो गाइस देख सकते हैं आप, जैसे मैं बता रहा था मैं आपको, ये फास्ट चार्जिंग वाला पॉइंट है एक, ये एक नॉर्मल दे रखा है। और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया रखा है, अपन ग्लास वगैरह रख सकते हैं, और ये भी एडजस्टेबल है पूरा, सो ये आगे पीछे हो जाता है पूरा, देख सकते हैं आप। और ये ओपन भी हो जाता है, इसमें भी काफ़ी स्पेस दिया रखा है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। हैंड ब्रेक इसका कुछ इस तरह का दिया हुआ है, और सन ग्लासेस होल्डर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया स्पेस दी गई है यहाँ पे, इस तरह से बंद हो जाएगा। ये वन टच लाइट दी गई है हैलोजन बल्ब के साथ में ही है ये केबिन लाइट, और एक लाइट यहाँ भी दी गई है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये भी नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है। रूफ पूरी ब्लैक कर दी गई है इसकी, जो कि पहले सिल्वर वगैरह में आती थी वो नहीं है। और यहाँ पे मिरर प्रोवाइड किया गया है, देख सकते हैं आप। देन अपन इसके बात करते हैं, डोर पैनल की बात कर लेते हैं। तो डोर पैनल कुछ इस तरह का दिया गया है, सो डोर पैनल उसको जो इस तरह का दिया गया है इसमें, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये भी सिल्वर फिनिश में दिया गया है, क्रोम नहीं है ये पर। और ये ओवर वेंस के मिरर के कंट्रोल्स वगैरह, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह, ये सब दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी ओके है, बढ़िया है, कोई ज़्यादा ऐसी खास मतलब बेकार नहीं लग रही है मुझे, हार्ड प्लास्टिक ही है। और देख सकते हैं आप इसमें एक और रिवर्स कैमरा प्लस एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में, प्लस पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, तो देख सकते हैं इसमें जैसे ही अपन पीछे का पूरा दिख रहा है, और जैसे ही स्टीयरिंग मूव करेंगे उस हिसाब से ये लाइंस भी मूव होती हैं। सो जैसे ही अपन मोड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप, लाइन उस तरफ जा रही है और इस तरफ जा रही है, तो ये स्टीयरिंग के उस हिसाब से होते हैं। एडेप्टिव गाइडलाइंस दी रखी हैं इसमें पूरी। और सो गाइस इसमें ब्लूटूथ वगैरह सब सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं पहले से ही, मतलब अपन कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा सारे सिस्टम अवेलेबल है इसमें। और स्पेस वगैरह की बात मैं करूं तो देख सकते हैं आप, यहाँ भी एक लीटर की बोतल आ जाएगी। और पेडल्स वगैरह मैं दिखाता हूं आपको, स्पोर्टी पेडल्स वगैरह दे रखे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। चलिए चलते हैं आप इसके पीछे की तरफ, और स्पेस वगैरह देखते हैं इसमें कितना स्पेस रहता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें कितना क्या स्पेस रह रहा है। ये आगे वाली सीट मेरे हिसाब से जैसे 6 फीट हाइट है मेरी, तो भी लेग रूम इतना स्पेस रह रहा है। और पूरा यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी काफ़ी स्पेस है। ऊपर की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा पास में लेके दिखा दीजिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ भी काफ़ी स्पेस बच रहा है इसमें। और यहाँ पे बोतल मतलब एक हैंडल ग्लास होल्डर वगैरह दे रखा है, हैंड रेस्ट का दे रखा है, तो काफ़ी बढ़िया है ये भी, तो ये भी पूरा फोल्ड हो जाता है, तीन जने भी बैठ सकते हैं इसमें, काफ़ी चौड़ी सीट दी गई है। और यहाँ एसी वेंट्स दिया गया, देख सकते हैं आप, रियर एसी वेंट्स है, सो अपने स्विंग उसका कंट्रोल अपन कर सकते हैं, बाकी टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं है। और पीछे का डोर पैनल देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से रहने वाला है इसका। और चार स्पीकर, चार ट्विटर दिए गए हैं इसमें, देख सकते हैं आप, तो इसका साउंड भी आपको सुना देंगे एक बार। तो चलिए अब चलते हैं इसके ड्राइव की तरफ। सो गाइस आपको साउंड सुना देते हैं स्पीकर का, तो सबसे पहले साउंड सुन लीजिए कैसा रिस्पॉन्स रहता है। Don't give up.
सो गाइज आपने साउंड सुना गाड़ी का, काफ़ी बढ़िया था और आप सुन सकते हैं पूरा उसमें पूरा बेस वगैरह काफ़ी शानदार आ रहा है और आपको मालूम पड़ ही गया होगा इसमें। सो गाइज आपको गाड़ी चला के दिखा देते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लिया अपन ने गाड़ी। सो कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है गाड़ी का देख लेते हैं। सो पिकअप वगैरह तो काफ़ी सही है और गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ आ रही, क्लच लाइट हैंड साइड ही है, हॉर्न ड्यूल है, काफ़ी बढ़िया बज रहा है देख सकते हैं आप। केबिन नॉइज वगैरह सुन सकते हैं, अभी सारे कांच बंद है, एसी ऑन है, सो फील कर सकते हैं आप। केबिन नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है गाड़ी में। शॉकर वगैरह अभी ब्रेक हैं उसमें टेस्ट हो जाएंगे जो ब्रेकर वगैरह आएंगे, और गियर इंडिकेटर साइंस भी आते हैं इसमें कि गाड़ी कौन सा गियर मांग रही है, ये सब सारी चीज़ें। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ सो स्टेयरिंग वगैरह भी काफ़ी सही है, लाइटर साइड भी है स्टेयरिंग भी। थोड़ा सा एक्सीलेटर करके देख लेते हैं गाड़ी को, सही चल रही है गाड़ी। ओनली अभी 264 किलोमीटर चली है, अभी हाल ही में नई गाड़ी है, सो उसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी सही है और नॉइज़ वगैरह काफ़ी कम है, और शॉकर वगैरह सस्पेंशन वगैरह काफ़ी सही दे रखे हैं गाड़ी में, सो आप फील कर सकते हैं। स्पीडोमीटर की तरफ देख सकते हैं 80 के करीब गाड़ी है अभी, और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, कोई नॉइज़ नहीं है। फिर से ब्रेकर है, हल्के हल्के ब्रेक्स एकदम शानदार तरीके से, तो ब्रेकर से निकली है गाड़ी देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है गाड़ी में। सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें शर्मा जी ब्लॉग्स को, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ है कार्स एंड बाइक के रिलेटेड, आपको देखने हो कोई भी वो देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।